भाई जो भी 2 दिन 3 दिन ये ट्विटर पे सोशल मीडिया पर ये जो चली हैं, कुश्ती को 2 साल से बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा है और इन लास्ट के 2 3 4 दिन में भी बहुत नुकसान पहुँचा है। और जिसकी हमारे जो सीनियर कोच रहे हैं, पहलवान रहे हैं, जो उन्हें आदेश दिया करते, धमकाया करते हुए रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं भाई, एक तो मेरे कोच साहब राम फरमान द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अनूप कोच साहब हैं हरियाणा पुलिस में एसपी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, एक हमारे कोच साहब रणबीर कुंडू, वैसे तो हरियाणा से ही हैं पर मोहाली बड़े लंबे समय तक कोचिंग की है, बहुत ज़्यादा पहलवान दिए हैं, रणबीर डाका कोच साहब, भाई ये दोनों भी मेरे लिए द्रोणाचार्य ही हैं। अवार्ड मिलना ना मिलना अलग बात है, इस पर भी 2 मिनट में बाद में बात कर लूँगा आपसे, पर ये चारों मेरे लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है, मेरे बड़े आदर्श हैं ये, क्योंकि राम प्रकोष साहब के पास तो मैं बचपन से आया हूँ। और फिर वो आकर ना एक भाई ये जो ट्विटर पर सोशल मीडिया पर चीज चल रही है, इनको रोको भाई, और हमारे सीनियर पहलवान भी मेरे उस जहाँ पर मैं रहा हूँ स्टेडियम में 17 साल में, जिस 97 तक 2014 तक जितने भी मैंने पहलवानी करी, 16 तक जितने भी हमारे पहलवान थे, सब परसों सुबह से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कल के होते 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 खुद ये होगा कि भाई ये कुश्ती की बदनामी में बहुत एक गलत चीज़ हुई है। कल भी भाई मैंने देखा नवीन जैन था बड़े भाई भाई, वो भी बोल रहे थे, एक सुंदर पहलवान है, मगर भाई सुंदर पहलवान था भाई, तो मैंने पता नहीं मेरा छोटा है बड़ा है, कभी मैं लिया नहीं हूँ, पर उसने भी वही बात की, भाई कुश्ती डाउन जाने लग रही है, बदनामी होने लग रही है कुश्ती की सोशल मीडिया की वजह से। नवीन जैन ने काफ़ी लंबी चर्चा करी थी भाई, नवीन जैन भाई दादा मैं बचपन से जान हूँ, मिल रहा हूँ तो बहुत छोटा हूँ मैं, उन्होंने कुछ बात कही थी कि भाई हमारे लिए भी, वो बोल रहे थे आंदोलन 2008-09 में अर्जुन अवार्ड की बात थी भाई, एक बार जब हमारे तरफ जो अवार्ड नहीं मिला था, उनने मरने भी लिए गए थे भाई, राष्ट्रपति तो ज्ञापन भी दिया था। तो भाई यही है कि भाई अपने कोच साहब, जितने हमारे कोच साहब सीनियर पहलवान हैं, आप सभी तो यही कहूँगा, कोच साहब राम प्रकोष साहब, रणबीर डाका कोच साहब, अनूप कोच साहब, रणबीर कुंडू कोच साहब, आपने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जी, आप बस बनता ही, चाहे मेरे पर्सनल कोच हो, चाहे कैंप में आपने पहलवानी कराई हो, चाहे अनूप कोच साहब आप 10 साल मैंने पुलिस में नौकरी करी है, 10 साल आप वहाँ पर कोच रहे हो, कैंप में भी आप रहे हो, रणबीर कुंडू कोच साहब आपने भी कैंप लिया हमारा, आपने जो रिक्वेस्ट करी है, जो एक अपील करी है, वो कहीं ना कहीं उस मेरे को तकलीफ हुई उस चीज़ का, मन ना दुख होया है कि भाई जो कोच हमें धमकाया करते, हमने आदेश दिया करते, उन आज वो सिचुएशन आएगी कि भाई हमारे तो रिक्वेस्ट करे हैं, और भी हमारे सीनियर पहलवान भी और भी ऐसे होंगे भाई समाज में, पूरे हरियाणा में, देश में, कि जो वह कहना चाह रहे होंगे पर कह नहीं पाते होंगे, क्योंकि कोई भी इंसान जब काम आगे बढ़ रहा है, कामयाबी, जैसे ओलंपिक मेडल ले लो, जिसके गले में जिसके पास ओलंपिक मेडल हो जाता है, आम आदमी तो ही उठने या बीच में एक दीवार लगा कि भाई कदे कुछ बोल दे कि भाई स्टार है जो भी है, पर मैं आप तो बता दूँ अपनी बता सकूँ मैं कि ओलंपिक मेडल मना मिला और भी मेडल मिले, मैंने जो भी मिले हैं मना, कभी अपने गले से ऊपर नहीं आने दिए भाई, सब तक मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, कभी अपने सर पर या अपने दिमाग में नहीं घुटने दिए, तो आप सब तक सब देशवासियों तो मैं एक बात कहूँ कि भाई मेरी वजह से कुश्ती की कोई ऐसी बदनामी हुआ है, कुश्ती सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मजाक बना उसका, तो भाई ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि आगे कभी भी ना हो। हाँ कोई कुश्ती की बात होगी, कुश्ती के हित की बात होगी, तो मैं पहले भी बोला हूँ, आगे भी मैंने बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुश्ती की वजह से आज इतने महंगे घर में 4-5 करोड़ की कोठियों में बैठा हूँ, बड़ी गाड़ियाँ मैं चालू हूँ, तो कुश्ती की वजह से है, नहीं तो भाई माँ बाबू मास्टर मास्टर नहीं थे, साइकिल पर आ जाए, अगर साइकिल पर मेरा पिताजी पूरा टाइम साइकिल पर निकाल दिया, बेशक अध्यापक थे, इसलिए कुश्ती ना यहाँ तक हम पचाया पचाया, और फिर कहीं पर ऐसा बोला कि भाई योगेश्वर तुम्हारी वजह से आज लोग मजाक बना रहे हैं कुश्ती का, पहलवानी का, तो वो तकलीफ दे है। जितने भी हमारे सीनियर पहलवान हैं, परसों सुबह ऐसे ही मेरे पास कॉल भी आया, पर जो चीजें वो जो होगी उसका वापस नहीं आ सकती वो, और मैं हमेशा मैं ये बात मैं बोलता भी था
कि ये जो शब्द हो हैं ये ना ब्रह्मास्त्र तई गहरे हो हैं, ये ब्रह्मास्त्र उल्टा हो जाए, आपने वहां बात में देखा होगा, पर ये जो शब्द है तीर चल जाए वापिस ना आते, ये किसी का किसी ज्यादा जरूर लागे हैं।